मैडम जी थोड़ा मोबाइल पीछे थोड़ा सा पीछे ये मैडम जी बगली जन खड़ी हैं नहीं प्यार क्यों नहीं देते हमारे वहाँ है हाँ तो आप हमसे पूछते रहेंगे ना बनाता रहेगा सर तो बोलने वाला एक वहाँ भैया क्या नाम है ना एक ग्रुप फोटो से वहाँ पे हैं आर्टिस्ट लोग चलो चलो बात नहीं हुआ है बात वीडियो साउथ स्टाइल चलो शादी में रेडी रेडी हो हां कुछ गए नॉन कर दो आप छक्कों को दिखाएंगे ना छक्कों का मर्द का बच्चा है तो उसके साथ अकेला रहते हैं सिमरन वाला डायलॉग वो सिमरन वाला डायलॉग भैया को बजाने का तुम्हारी फाइट चालू है वही सीन है ना बाद में छक्कों को दिखाएंगे ना छक्कों को मर्द का बच्चा है तो उसके साथ अकेला रहते हैं इधर आओ सिमरन वाला डायलॉग बोल वो सिमरन वाला डायलॉग बोल भैया को ये आउट हुए बोला कि एंट्री फोर राउंड में एंट्री होगी तब चलाएंगे ना नहीं पता लगा कि कैमरे का राइट और लेफ्ट दोनों आपके एक्टर जो है ना इनके ग्रुप को अपने ग्रुप को थोड़ी मारेगा बोली अरे ये तो गए भोला के पास लड़े ये तो भोला के पास चले गए बोली तो ये चला रहा भोला बच रहा है इसके बाद इनका अटैक हो गया ना सर ठीक है सर सर राहुल ठीक है सर भैया का भी शॉट है क्या भैया बैठूंगा मैं कब डिपार्टमेंट कौन बढ़िया क्लोजअप हाथ जोड़ते भैया लो हाथ जोड़ते राम जी बात करें फिल्म की शूटिंग चल रही है हम लोग सब जो है साथ में देखिए हमारा तो अभी पिछले फिल्म बलमुआ नदिया पार में अनूप जी हमारे बहुत ही अच्छे और इस फिल्म में मान के चले कि मेरे ससुर के करेक्टर में थे और इस फिल्म में हमारे पिताजी के करेक्टर में इश्क नचाए बीच बाजार क्योंकि हमारी अपनी होम प्रोडक्शन भी है और पिताजी का करेक्टर कर रहे हैं नदी के पार होके ये इश्क लेके बीच बाजार में आ गए ससुर से बाप बना लिए और अब देखिए और बहुत ही अच्छा इनके साथ हम लगा काम पिछले भी तो मेरे मन में आया कि इस फिल्म में भी आपका करेक्टर बहुत ही अच्छा और मेरे साथ अनुभव इनके साथ मुझे अच्छा लगा पिछली फिल्म ना जबरदस्त नाम है इश्क नचाए बीच बाजार कई लोगों को नचा देता है पता नहीं इनका अनुभव क्या है नहीं पता लेकिन अच्छा लग रहा है लोकेशन बड़ी अच्छी है आज जहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे हैं इन भट्टे पर ये क्लाइमेक्स का सीन चल रहा है तो बहुत ही मतलब सुरम्य वातावरण है और ये जहाँ हम लोग बैठे हैं एकमात्र छाया की जगह है जहाँ पंखा लगा और जिनका ये भटका उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है
अभी बारिश भी आ गई थी का एक, तो थोड़ा व्यवधान हो गया, लेकिन ये सब तो चलता रहता है, प्रकृति का खेल है। लेकिन काम बहुत फुल स्विंग में, सवेरे 8 बजे से एकदम लगातार, ये लगे इनकी हालत देख ही रहे हैं कैसे लग रहे हैं, बड़ा मारा है इनको लोगों ने, बहुत मारा है। अब बाप जाएगा, बड़ा भाई जाएगा, जाके बचाएंगे। ये रियल में भी बड़े भाई हैं इनके, राम सिंह जी, और इस फिल्म में भी बड़े भाई बने हैं, और मैं बीच में बैठा हूँ, मैं फिल्मी पिता बना हूँ बेटों के पास। हाँ एकदम, नहीं तो मैं इनको मानता भी हूँ पिता के तरीके से ही, मतलब बाबू जी करके ही बात करते हैं, ये इनका बड़प्पन है, इतनी इज्जत देते हैं, अच्छा लगा, तो अच्छी बात है। और पिछली फिल्म में बड़ा अजीब सा वाकया हुआ था कि हम लोग पूरी फिल्म कर लिए, लेकिन एक साथ वो राइटर क्या थे या डायरेक्टर क्या थे, एक भी सीन हम लोग का साथ में नहीं था। हाँ, तो सोचने वाली बात है, इस बार स्क्रीन शेयर करने को साथ में मिलेगा, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कम बैक जैसी कोई चीज नहीं होती, आर्टिस्ट जो रहता है वो जिंदगी भर आर्टिस्ट ही रहता है। ये 60 साल के हो जाएंगे तो क्या एक्टिंग भूल जाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हो सकता है किसी कारण से व्यवधान पड़ा हो, इस चीज से दूर हो गए हो, बहुत सी चीजें आती हैं। बहुत लोग मुंबई जाते हैं लेकिन एकाएक घर पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वापस लौट के चले आते हैं और दोबारा कभी नहीं जाते हैं। ये कम से कम लौट के आ गए हैं, सही समय पर आए हैं, अभी तो बहुत समय है काम करने का, करते रहेंगे, एकदम बिल्कुल जमे रहेंगे। संग्राम जी, वो 14 साल का जो वनवास आपका था, आखिर वनवास काटना पड़ा 14 साल? बस अभी आपने बताया, कुछ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी पड़ जाती हैं, क्योंकि जीवन में मैंने बहुत कुछ सीखा देखा, बहुत परीक्षाएं भी मेरी हुई, उस सबको पार करते हुए अब फिर राम जी की और परिपक्व वो होके आए, जो एक और अनुभव इनको मिला है, उससे अभिनय में और सोचने में एक परिपक्वता आ जाती है, तो इनके जीवन में इनको सफल बनाएगी। सही, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं बड़े भाई के करेक्टर में हूँ, रियल लाइफ में भी हूँ और रियल लाइफ में भी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब, और फोन पर जब हम लोग बात करते हैं कभी तो ये समझ में नहीं आता कि ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं, फोन आवाज सब एकदम एक जैसी, ये राम है ये संग्राम है, मतलब, और नेचर में भी ये राम जैसे हैं, ये मुस्कुराते रहते हैं, बहुत कूल रहते हैं, और ये संग्राम एकदम कभी कभी तेवर में आते हैं, तो देख चुका हूँ। नाम का प्रभाव इनके ऊपर भी है, इनके ऊपर भी है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, बेवजह ये गुस्सा नहीं होते हैं, वैसे हंसते रहते हैं, बहुत मस्त नेचर है, लेकिन जब कोई छेड़ देता है इनको तो फिर इसकी उसकी जैसी हो जाती है, बहुत अच्छा है। कहना क्या है, ये अपना पुराना अभिनेता है, अभी 2 फिल्में तो कर चुके हैं आप इसके पहले, हाँ, तो ये 4th फिल्म है लगातार, तो बस इनका उत्साह वर्धन करते रहिए, हम लोगों का भी करते रहिए कि फिल्में बनती। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर सिनेमा को बचाना है तो सिनेमा हॉल में जाना है, आजकल ये जो एक कमी आ गई है तो हम लोगों को इस बात से बहुत कष्ट है, और खाली छोटे पर्दे पर देख के टीवी पर घर में या मोबाइल पर फिल्में नहीं बनेंगी, नहीं चलेंगी, इसलिए आप लोग कृपया जैसे पहले आते थे, हम लोग का उत्साह वर्धन करते थे, तो मेरी ये मुहिम है कि अगर फिल्मों को बचाना है तो सिनेमा घर जाना है, इसमें सहयोग करें, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। हाँ, तो हमने अभियान, हमें जो बताया अभी आपने चाचा ने, तो हमने बलबो नदी एक पार में स्टार्टिंग में मेरा इंटरव्यू इसी पर आया ही था पूरा, बस कि हाँ, कि हम कितनी भी बढ़िया फिल्म बना ले, कितना भी कर ले, तो अगर जैसे साउथ का आप कहते हैं कि एक टक्कर हमको देना, तो साउथ में एक रिक्शा वान से लेके गरीब आदमी तक पूरे परिवार के साथ फिल्म थिएटर तक जाता है और फिल्में देखता है, तब आज उसकी डिमांड, आज देखिए हिंदी फिल्मों को भी मात देने में साउथ की फिल्में लगी हुई है, इसी यही कारण है मेन कि लोग थिएटर तक जाते हैं वहाँ गरीब भी परिवार। तो आप चाचा ने भी हमारे जो कहा, तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी बात, और इसको मैंने भी आज के करीब 2 महीने पहले कहा भी इस चीज़ को, आप लोग के सामने, मीडिया के सामने चीज़ रखा भी था, और फिर उसको दोहराता भी हूँ कि ज़रूरी है। आज कई दिन से फिल्म की शूटिंग चल रही है, संग्राम सिंह जी बहुत प्रसन्न फिल्म है, और ये क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? और संग्राम
ये फिल्म 7 तारीख से शुरू हुई, 4 गाने 5 गाने पिक्चराइज हो गए। बहुत खूबसूरत फिल्म की शूटिंग चल रही है और अच्छी बात ये कि भगवान भी साथ दे रहे हैं। आज थोड़ी सी बारिश हो गई, हम लोग भी 3 दिन 4 दिन से कर रहे हैं यहाँ। संग्राम जी ने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी, उस पिक्चर में भी मैं था, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है और ऑलमोस्ट अब रिलीज पे ही है, ये दूसरी पिक्चर बना रहे हैं। इस बीच में इससे पहले भी एक फिल्म और किए हैं अभी, तो अब कंटिन्यू उनका प्रोडक्शन चल रहा है, फिल्में बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्साही हैं, उत्साह करने मतलब उत्साह से कोई काम करते हैं। और कोई भी काम करने के लिए आदमी के अंदर उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो एक अच्छी फिल्म बन रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म भी अच्छी बनेगी और इस इंडस्ट्री को एक और हीरो मिलने वाला है जैसे पिक्चरें धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होंगी। तो पूरा भरोसा कि ये एक अच्छे लेवल पे आके काम करेंगे और हर आदमी हर रोज़ सीखता ही है। तो वो धीरे धीरे, मैं पिछली पिक्चर से इस पिक्चर में देख रहा हूँ तो काफ़ी बदलाव, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हर रोज़ सीखता है आदमी। क्या रोल आ रहे हैं? मैं मेरे हिस्से आज की तारीख में जो रोल आते हैं वही रोल कर रहा हूँ। इसमें मैं हीरोइन का और विलन का बाप हूँ। विलन सामने बैठे हैं अयाज साहब और इस फिल्म की जो हीरोइन है वो मेरी बेटी हैं, ये मेरे बेटे हैं। और अब तो मैं विलन इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं गिर पड़ सकता नहीं उतना, तो सारी जिम्मेदारी इन्होंने संभाल ली और आज ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है वो छोटे में। अयाज पहलवान जी वो आलू हैं, आप समझ गए, इनके बगैर सब्जी नहीं बनती, मतलब वो इतनी बड़ी ज़रूरत है कि हर फिल्म में होने ही चाहिए, अच्छा नेचर, अच्छे एक्टर और सबसे बड़ी चीज़ कि सबके साथ जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पहलवान बहुत अच्छे इंसान हैं और थोड़ी हम लोगों के आपस में मस्ती उस्ती चलती रहती सेट पे, यही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी ब्रजेश चाचा ने जो आशीर्वाद दिया है मैं चाहता हूँ यही आशीर्वाद कायम रहे और हमेशा दुआ आप लोग का बना रहे, प्रभु सब कल्याण करे और जो मेरा इच्छा है वो पूरा हो और होगी 100% आदमी के अंदर होना चाहिए करने की वो। जी जी, जी। हमने पूरी उम्र दे दी, 44 साल से मैं फिल्म लाइन में, तुमको रामचंद्र मालूम है, कोई ऐसा एक्टर नहीं है हिंदी का जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, अमिताभ बच्चन से लेकर कोई हो, वो दुनिया अलग है, वो हिंदी सिनेमा अलग है, भोजपुरी सिनेमा अलग है। हम सलमान खान के साथ पहली पिक्चर में थे, बीबी हो तो ऐसे वो दिन भर बैठ के करते रहते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं। हर आदमी एक दिन नया होता है, हर आदमी एक दिन नया होता है, एक लाइन बोने के लिए 10 बार हकते हैं, 10 बार नहीं हो पाता लेकिन करते करते आज सलमान खान कितना बड़ा स्टार बन गए। तो करने से प्रैक्टिस में ही आदमी बड़ा बन पाता है। बीबी हो तो ऐसे बगल बैठे रहते थे, ब्रजेश जी। अभी मैंने दबंग में काम किया, दबंग 3 में, तो देख के चौंक गए, बोलता सर लॉन्ग टाइम बैक। मैंने कहा बोलो आप लोग बड़े हो बुलाते नहीं तो क्या करें। बहरहाल वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है और हर आदमी को उत्साह होना चाहिए काम करने की। और एक जो सबसे बड़ी बात है रामचंद्र बाबू, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है मुकद्दर। अगर आपका मुकद्दर साथ दे रहा है तो आप हर चीज़ आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में, और जब मुकद्दर साथ नहीं देता तो इसे हाथ से खुल के सारी चीज़ें निकल जाती हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अमिताभ बच्चन है, अपना घर है ना, दुकान खोल के अपना घर लुटा दिए थे, ABCL खोल के। तो यहाँ सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ मुकद्दर समय है, आज इनका समय साथ दे रहा है, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, भगवान ने चाहा तो एक दो फिल्म जरा से मामले ढंग से निकल गई बस खत्म हो गया, अपने यहाँ तो बस एक हिट की ज़रूरत रहती। और मुझे पूरा विश्वास है जहाँ अयाज खान नाम के एक्टर रहेंगे तो पिक्चर तो हिट होनी है, क्योंकि एक्टिंग का इन्होंने वो ले लिया ना, जिम्मेदारी ले ली है। अरे बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा माहौल में शूटिंग हो रही है, बहुत अच्छे माहौल। अच्छा लग रहा है और इस लॉकडाउन के बाद जो जिस तरह से भोजपुरी फिल्में शुरू हुई हैं और मेरी यही ईश्वर से अल्लाह से कामना है कि ऐसी फिल्में बनती रहे
सभी को जो है काम मिले, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और जब काम रहता है तो आदमी का जो है दिल दिमाग है ना सब काम करता है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये। और हम संग्राम भाई के साथ ये तीसरी फिल्म कर रहे हैं और शायद इनकी तीसरी फिल्म है। इससे पहले जब 14 साल पहले इन्होंने किया था तो उस समय शायद मैं इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन जब से इंडस्ट्री में आए तब से हम साथ में ये तीसरी फिल्म कर रहे हैं। और मेरा हमेशा से इनके लिए जो है आशीर्वाद है, दुआएं हैं, और नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वही है कि आदमी जब मेहनत करता है तो ही वो आगे बढ़ता है, तो प्रैक्टिस बी ए मैन परफेक्ट, तो वो जज्बात संग्राम भाई में है नो डाउट। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, इनके में बहुत कैपेबिलिटी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके में सीखने का जो हुनर है और किसी चीज़ को जो करने का जो होता है ना कि मादा होता है, वो इनमें वो खूबी है, तो जिसकी वजह से मुझे पूरी मदे बहुत आगे तक जाएंगे। और हमेशा दुआ प्यार आशीर्वाद रहेगा। और ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, इश्क नचाए बीच बाजार, और आज क्लाइमेक्स का शूट है, भट्ठे पे शूट हो रहा है, और ऑडियंस का भी बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। टाइटल बहुत अच्छा है, इश्क नचाए बीच बाजार, इश्क नचाए बीच बाजार, बहुत बढ़िया टाइटल। मेरी संग्राम जी के साथ पहली फिल्म है, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी ब्रिजेश भैया है, अनूप भैया है, हयात छोटा भाई, तो सारे लोग और विनीत विशाल, और सारे लोग मिलके बहुत अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है और बहुत पोटेंशियल। मेहनत सचिन भी कर रहा है, सचिन भी अपनी मेहनत। और डायरेक्टर सचिन यादव के साथ हम लोग, ये दूसरी फिल्म है अभी मेरी, अच्छा पहले भगवान हाजिर हो, तो बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है काम करके यहाँ सीतापुर की धरती पे। क्या रोल निभा रहे हैं आप? मैं इसमें ब्रिजेश चाचा जी और आयाज सबसे खास चहेता पात्र है, इसमें कॉमेडी का इनपुट है, बहुत अच्छा करेक्टर है, मज़ा आएगा लोग। नहीं मैं नहीं, मैं थोड़ा हीरो से थोड़ा नाराज रहता हूँ, इसी को लेकर कॉमेडी बंगेबाजी होती रहती है। कॉमेडी रोल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहली बार प्रॉपर कॉमेडी इस टाइप का। अच्छा इनका रोल है, अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ जो है पूरे फिल्म में, और बहुत अच्छा इनका रोल है, एक अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिलेगा रियाज खान और संतोष बाला। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक ही प्रार्थना करूँगा कि भैया आप लोग सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखिए, मोबाइल में पिक्चर देख देख के आप सत्यानाश कर रहे हो। सिनेमा हॉल में पिक्चर दीजिए और सिनेमा को आगे बढ़ाइए, कोई भी फिल्म इस दिन बहुत अच्छी बनेगी। और मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सिनेमा हॉल में जाके आपको भी आनंद आएगा और इससे हमारी मार्केट बढ़ेगी सिनेमा इंडस्ट्री की। और सिनेमा हमेशा बड़े पर्दे के लिए ही बनता है, तो छोटे में कहाँ मजा आएगा। हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी ब्रिजेश चाचा ने जो बात रखी है, इस बात तो हमने आज करीब इसके पहले इंटरव्यू में रखा ही था, और हमको अच्छा लग रहा है कि हमारी बातें कम से कम सबको अच्छी लगी हैं और लोग उस बात को दोहरा भी रहे हैं। निश्चित ही बहुत ही खुशी हो रही है, ये टीम देख के पहली बार बहुत ही अच्छा टीम हमको मिला है, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो DOP हों, चाहे हमारे जितने आर्टिस्ट हैं, सबका आशीर्वाद और प्यार हमको निरंतर मिल रहा है, और एक परिवार के तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। परिवार होता ही है फिल्म, तो पूरे परिवार निश्चित, क्योंकि हमारी तो टीम होती है, ब्रिजेश चाचा को भी हम नहीं भूल पाए, आयाज जी को नहीं भूल पाए, बल्कि और दो परिवार को जोड़े हैं, और अनूप जी देखिए सब प्रकाश जी उधर बैठे हैं, बहुत ही अच्छा करेक्टर इस फिल्म का, जान लीजिए कि सेकेंड मान के चलिए कि करेक्टर रोल, सब लोग अपने अपने जगह अपने अपने रोल में फिट हैं यार जी। और तुम्हारी भी मुझे एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि सबसे अच्छी बात रामचंद्र ये है कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा कहीं भी हमको मिल जाता है हर सेट पे। अभी तुम अब बनारस में मिल गए, यहाँ मिल रहे हो, जहाँ जाओ तुम मिल जाते हो, बहुत अच्छा। आगे भी मिलते रहोगे यार। अरे वो ठीक है बेटा, तो मालूम है कि मेरे सामने शुरू किया था लड़का अपना करियर, और थोड़ी सी गाइडलाइन मिली, और आज देखे आज ये पूरी भोजपुरी सिनेमा का सबसे चहेता वो बन गया, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी अपनी कामयाबी, हमने कुछ नहीं किया, उनका व्यवहार ऐसा है बस, वही नहीं व्यवहार। चले, थैंक यू वेरी मच। ओके।